Assalamu alaikum. Hamare saath aaj Dr. Ambreen Iqbal maujood hain and she is a clinical psychologist aur wo counseling bhi karti hain aur 10 saal se unka experience hai is practicing since 10 years aur wo teaching bhi karti hain acche lums aur LSE mein unhone padhaya bhi hai aur media ke upar wo ek show karti hain jinke upar wo batati hain कि इम्पोर्टेंस क्या है साइकोलॉजिस्ट की आपकी ज़िंदगी में और उसे किस तरह आपको लाइक हेल्प देनी चाहिए. पहले तो हम थैंक यू कहना चाहेंगे डॉक्टर इमरान इकबाल को, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. कुछ सवालात हैं जो हमने सर्वे से फाइंड आउट किए हैं कि क्या मौजू है इम्पोर्टेंट जिसके बारे में डिस्कशन करें. तो सबसे इम्पोर्टेंट मौजू आजकल है दहशतगर्दी का, तो आज हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे. हमारा पहला सवाल ये है कि दहशतगर्दी के असरात और नफ्सियाती तौर पे क्या इसके मुयस्सर हो सकते हैं असरात. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप इसमें जो है लोगों में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम ये जो आपने स्टार्ट किया है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर होल टीम. अच्छा, अब जो आपने कहा कि दहशतगर्दी की जो आजकल फिज़ा कायम आई हुई, तो द वेरी फर्स्ट जब हम टेररिज्म या दहशतगर्दी की बात करते हैं तो द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू आवर माइंड इज एक नेगेटिव वाइब, डर की, खौफ की कैफियत. जैसे आपने अगर मुझे पूछा कि जी, या किसी से आपने सर्वे किया होगा, आपने लोगों से पूछा होगा कि व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस टेररिज्म, तो हमेशा आपने मोस्टली देखा होगा कि रिस्पॉन्सेज जो उसमें आए हैं उस सर्वे में वो नेगेटिव ही होंगे. तो उससे एक आपको फैक्चुअल डेटा जो आपने मुझे दिखाया भी, लोगों के कॉमेंट्स आ रहे उस सर्वे में, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये दो वाइब क्रिएट करता है ये वर्ड दैट इज द वेरी नेगेटिव फीलिंग विच मेक्स यू पैनिक, जो आपको जो है वो स्ट्रेसफुल कर देता है, आपको पैनिक कर देता है. तो सबसे पहले आपने कहा कि इसके असरात क्या होंगे, तो चूंकि ये एक नेगेटिव स्टिमुलस है, एक नेगेटिव वर्ड है, एक मनफी वर्ड है, तो जाहिर है कि इसकी जाहिर सी बात है कि इसके ऑब्वियसली जो इसके असरात होंगे वो भी नेगेटिव ही होंगे. तो ये तो पहले समझना बहुत जरूरी है. दूसरा आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट, देखिए मैं यहाँ पर जो बात करूंगी वो आसान जबान में कोशिश करूंगी बात करें, ताकि मेरा जो मकसद ये है कि अगर एक मंडी में बैठा हुआ एक रेड़ी पे भी शख्स है तो उसको भी थोड़ी बहुत समझ आए कि ये क्या चीज है और इससे हमने कैसे जो है वो अच्छे तरीके से निपटना है. असरात जब, जैसे मैंने सबसे पहले ये बताया कि आजकल जो रिसेंटली जो फिर एक दोबारा एक वेव आई है, जो ये बॉम्ब ब्लास्ट की दोबारा वेव आई है लाहौर में, क्वेटा में, हर जगह ये जो हो रहे हैं, अंदर एक ब्रेक आ गया था, उससे नो डाउट लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक फीलिंग हो गई है, एक बहुत ज्यादा गैर यकीनी अनसर्टनिटी की जो एक कैफियत है वो पैदा हो गई है. और लोग अगर आप देखें कि आप बाहर जाते हुए सेफ फील नहीं करते, माएं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए सेफ नहीं फील करती, स्टूडेंट्स के अंदर एक जनरल फ्रस्ट्रेशन आ गई है कि मैम हम क्या करें, हमें नहीं पता हमें लॉन्ग टर्म क्या आगे करना है, क्योंकि दे आर नॉट श्योर. वो सिंपली कहते हैं हमें नहीं पता कि हम हैं भी कि नहीं है. वो एक नेचुरल हमारा बीइंग अ मुस्लिम भी और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, नो डाउट एक डेथ के ऊपर हमारा जो है वो एक बिलीफ है, लेकिन ये जो गैर यकीनी की कैफियत है जिसमें हम आगे जाकर बात करेंगे कि इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसको मजीद प्रोपिगेट कर रहे हैं, जो इसको मजीद बढ़ा रहे हैं. तो हमें जब कोई इस तरह की, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए शौरी तौर पर, कॉन्शियस लेवल के ऊपर, कि हम एक हालत जंग में हैं. हम जितना ज्यादा डिनाइल में रहेंगे, हम जितना ज्यादा ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये हमारे साथ नहीं हो रहा, उतना ही हमारे लिए नुकसानदेह है. तो सबके लिए मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगी कि ये मान लीजिए कि यस ये स्टेट है और हम हालत जंग में हैं, और डिनाइल में मत रहें और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएं, अपने दाएं बाएं भी नजर रखें और इसको हम अपने ऊपर हावी ना करें बहुत ज्यादा, रादर कि हम इसको अच्छे तरीके से जो है हमें इसे कैसे मैनेज करना है वो ज्यादा बेहतर जी. अच्छा मैम, हमारा सेकेंड जो एक बहुत बड़ा इशू है कि जो बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं और उनके सामने इतने वायलेंट और इतने चीज़ें उन नज़र आ रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, लोग शहीद हो गए, इतने लोग इंजर्ड हो गए, तो बच्चों पे उसके बारे में, उसके ऊपर क्या कैसे असरात हैं और वो कैसे कोप करें इस चीज़ से. वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए जब हम अभी बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म की बात करते हैं, तो दहशतगर्दी का, देखिए आप, हम मैच्योर हैं, आप भी थोड़े बड़े हैं, आपको भी थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट है कि क्या चल रहा है. छोटे बच्चों के मुझे ये लगता है, विच आई रियली फील सॉरी फॉर द किड्स
जो हमारे छोटे बच्चे के जब वो स्कूल में जाते हैं और वो एंटर होते हैं तो हर सुबह उनकी स्कूल के बैरियर से एंटर होते हुए उनकी चेकिंग होती है, जब वो मॉल्स में जाते हैं तो उनकी चेकिंग होती है, जब वो पार्क्स में जाते हैं. अब आप देखें कि बच्चों की एंटरटेनमेंट क्या है. हम कहते तो हैं कि हमें ये मोबाइल्स और गैजेट्स के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, ये मोबाइल एडिक्शन है. एट द सेम टाइम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं कहती हूँ, पेरेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि अपने बच्चों को आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व करें, बच्चों को पार्क्स में लेके जाएं. बट आप देख सकते हैं कि कुछ अर्सा पहले, ये तो आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, जो पूरी एक वेव आई थी जिसमें बच्चों को किडनैप किया जा रहा था, लाहौर के अंदर पूरी वेव आई थी, वो भी दहशतगर्दी में शामिल है. क्योंकि दहशतगर्दी हर वो चीज जो जिससे कि आप में खौफ तारी हो जाए उसको हम टेररिज्म कहते हैं. ये लोगों के जहन से निकलना जरूरी है कि टेररिज्म नॉट ओनली कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हो और इतने लोग मर जाएं, हर वो चीज जो आप में खौफ पैदा कर दे, चाहे वो भूख का खौफ ही क्यों नहीं है, वो दहशतगर्दी में ही आता है. तो हर बच्चे, हम बच्चों को पार्क्स कैसे लेके जाएं जब बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, या पार्क्स में जाते हैं तो बच्चों की चेकिंग हो रही है. आप सोचें कि एक छोटा बच्चा जब एक स्कूल जा रहा है, मॉल जा रहा है, पार्क जा रहा है, किसी जगह जा रहा है और उसकी चेकिंग हो रही है, तो आप मुझे खुद बताएं कि उस बच्चे की ज़हनी कैफियत जो है उस पर क्या असर होगा. और बच्चे जो हैं, क्योंकि इमेच्योर माइंड्स होते हैं, इनोसेंट ब्रेन्स उनके होते हैं, उनको उनके लिए मे भी ये एक खेल है, उनके लिए मे भी ये एक कोई इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है. एंड दे डोंट नो के उसके असरात उनके जहन के ऊपर इन द लॉन्ग रन क्या उनके पा रहे हैं. उनको जो अपनी जो मैंने जो बच्चों में ज्यादा देखे या जब मैं कभी उन्हें पूछती हूँ या फैमिली में या बच्चे पूछते हैं कि ये चेकिंग क्यों हो रही है, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम बच्चों को थोड़ा सा उनके लेवल के ऊपर आकर उनको एजुकेट करें कि बेटा देखो, हमें अपने इर्द गिर्द नजर रखनी है, कुछ बुरे लोग भी हैं जो कि वो कुछ गलत काम करना चाहते हैं. उनकी आसान जबान के अंदर हम उनको कम्युनिकेट करें और आपने बड़ा कॉशियस होना है, आपने बड़ा केयरफुल हो के जब आपने स्कूल जाना है या बाहर जाना है, और अगर कोई ऐसी चीज होती है तो आपने घर आकर पेरेंट्स को बताना है. तो बच्चों के ऊपर नो डाउट इसका इफेक्ट मेरा ख्याल है हम सब पे है, लेकिन बच्चे इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं. आप सोचिए, अगर हमने अपने बचपन में अपने जमाने में सब कुछ देखा होता तो क्या हम इस तरह के इंडिविजुअल्स होते? तो एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एक जो अपने ऊपर एक ट्रस्ट होता है जिससे आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, वो जो है आहिस्ता आहिस्ता लो होती जा रही है. और बच्चे ये भी पूछते हैं, जब बच्चे जो है उनके, आपको पता है ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, जब वो इंटरनेट के ऊपर उनके जो फ्रेंड्स मुल्क से बाहर होते हैं दूसरे मुल्कों में, तो ये बच्चे चिटचैट करते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि यू आर नॉट सेफ देयर, यू आर नॉट सेफ देयर. सो मेरा ख्याल ये है कि इस चीज का नो डाउट इफेक्ट बहुत ज्यादा बच्चों पे आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें चाहिए कि हम उन बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से बैठ के साथ साथ उन्हें एजुकेट भी करें. ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब. सेकेंड जो इसके बाद जो सवाल मेरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मीडिया का दहशतगर्दी के बारे में क्या किरदार है. एक ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्योंकि जब मैं मीडिया के ऊपर भी आजकल प्रोग्राम्स कर रही हूँ जिसमें मैं साइको सोशल इश्यूज के ऊपर बात कर रही हूँ, और एक्चुअली जो मेरा मकसद है उसका वो ये है कि लोगों को साइकोलॉजिस्ट का पता होना चाहिए. इसको हमें एज आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को बताऊंगी कि इसको मिथ या कोई टैबू कंसिडर मत किया जाए. जिस तरह हमें जिस्म की बीमारी होती है और हम फिजिशियंस के पास जाते हैं, हार्ट की बीमारी होती है हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, किडनीज की बीमारी होती है तो हम किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, इसी तरह ये जो हमारा इर्द गिर्द का अगर आप ये देखें जो सारा माहौल है, इससे हम सब डिस्टर्ब हैं मेंटली. तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट की जरूरत है और उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो जो मीडिया पर मेरा आकर ये लोगों को मैं अवेयरनेस दे रही हूँ, शऊर दे रही हूँ, इसका मकसद ये है कि लोग इस टैबू, इस मिथ से बाहर निकले, इन पे बात करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों को इफेक्ट कर रहा है और बहुत डीपली असर हो रहा है. तो एक तो मीडिया का मैं बताऊंगी कि रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन मीडिया क्या है. दूसरा, आपने पूछा इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन दिस टेररिज्म. इसलिए मैंने कहा कि वेरी गुड क्वेश्चन, यू गेव मी अ चांस टू टॉक ऑन दिस. क्योंकि जब मीडिया पर हम बैठ के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, हम इतना ज्यादा ओपनली मीडिया के ऊपर बात नहीं करते. और जब मैं थोड़ा करने भी लगती हूँ तो मुझे प्रोड्यूसर्स वगैरह पीछे से कहते हैं कि मैडम हाथ हौला रखिए. तो ये एक चीज जो आपने कहा, देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको भी पता है. आप स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनेट टू इलेक्ट्रिसिटी टू एवरीथिंग, दिस मोबाइल इवन विच यू आर कैरिंग ऑल द टाइम 24 आवर्स, इवन व्हेन यू स्लीप दैट इज अंडर योर पिलो, इसके अपने
एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. लोगों को एजुकेट करना कि उसको यूज कैसे करना है, अगेन मीडिया इसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है, जो कि मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं अपना रोल भी प्ले कर रहा है, मीडिया लोगों को अवेयरनेस भी दे रहा है. लेकिन इसके साथ साथ मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूँ मीडिया से कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज को बहुत ज्यादा जो बम्बार्डमेंट एकदम वे में करते हैं कि आप जिस दिन ब्लास्ट हुआ है या जिस दिन ये PIA की वजह से जो हुआ है या ये जो बैरियर्स रेलवे जो ट्रैक्स के बैरियर्स नहीं थे उनकी वजह से जो अमवात हुई है या ये जो पोलियो के जो जो थे वो एक्सपायर्ड जो ड्रॉप्स थे जिनकी वजह से बच्चों की अमवात हुई है, इन सब न्यूज को ठीक है. या जो पिछले दिनों कसूर का जिनसे स्कैंडल हुआ या बच्चों के साथ जो जिनसे ज्यादती का जो सियालकोट का इंसिडेंट हुआ जो वायरल वो वीडियोज बना कर, ये सारी मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सारी नेगेटिव न्यूज नो डाउट मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, लेकिन जब सारा दिन आप ये सोचो कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ऑल द डे यू कीप ऑन स्विचिंग चैनल और हर चैनल के ऊपर सुबह से लेकर रात तक एक टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, बार बार उसको ब्रेकिंग न्यूज में दिया जा रहा है, बार बार सारे जितने भी पोलिटिकल टॉक शोज हैं. आप मुझे एक बात बताइए कि आपका एक ब्रेन जो है जस्ट लाइक अ हार्ड डिस्क, इसको आप जो इनपुट देंगे इसने वही आउटपुट देगा, ठीक है जी, है आपका पूरा ब्रेन इज वर्किंग ऑन दिस आईटी सिस्टम. सारा दिन अगर एक नेगेटिव स्टिमुलस आपके जहन में जा रहा है, आप मुझे बताइए आपको क्या मिलेगी उसकी आउटपुट, नेगेटिव ऑब्वियसली नेगेटिव मिलेगी. तो कहीं ना कहीं मीडिया को, आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी जो नेगेटिव इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं वो उनको इस तरीके से हाईलाइट करते हैं. या अगर हमारा जो 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 ये 11 सितंबर का भी जो इंसिडेंट हुआ उन्होंने हाईलाइट एक डिफरेंट वे में किया कि हमारे साथ ये हो गया है. हम जो ज्यादा करते हैं ना वो ब्रेकिंग न्यूज करते हैं. नाजरीन जो हमारे एंकर्स होते हैं वीडियोपोलॉजी वो बड़े शॉकिंग वे में कह रहे होते हैं कि नाजरीन हमारा चैनल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले दी. हमें अपना perceptions और attitudes change करने पड़ेंगे और इसमें जितना रोल मीडिया प्ले कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि हम एक कमरे के अंदर बैठ के हम कुछ लोगों की तो काउंसलिंग कर सकते हैं, बट एक मैसिव लेवल के ऊपर, एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर मीडिया जितना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है कोई नहीं कर सकता. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग दीज डेज इवन द मीडिया पीपल कि मैं उनकी भी काउंसलिंग करूँ और उनको भी बताऊँ कि उन्होंने एक पॉजिटिव एक मैसेज मीडिया के थ्रू कैसे थ्रो करना है. थैंक यू डॉक्टर. अगला हमारा सवाल ये है कि हमारी जो पर्सनालिटीज हैं वो इफेक्ट हो रही हैं टेररिज्म से, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं इसको कि हमारे पे मनफी असरात उस तरह से ना हों, अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ज़ाती तौर पे. मीडिया तो आपने बता दिया है लेकिन पर्सनल लेवल पे हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं. अच्छा, जब आपने बात की इसकी कि हम इन रिस्क फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली रिस्क फैक्टर्स हैं. देखिए, आपके इर्द गिर्द अगर कोई एक चीज हो रही है तो आप उससे कबूतर की तरह आंखें बंद करके आप जान नहीं छुड़ा सकते. यू हैव टू एक्सेप्ट, ये मानना पड़ेगा. आपको आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन हमारे सामने है. और जब आप ये शौरी तौर पर कॉन्शियस लेवल के ऊपर ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इसको हल कैसे करेंगे. हमारे पास एक क्लाइंट भी आता है क्लिनिक के अंदर तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है. तो सबसे पहले ये होता है कि आप एक्सेप्ट करें कि आपके साथ प्रॉब्लम है. तो हमें कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि हमारे साथ ये इश्यू है. जैसे मैंने पहले भी कहा, हम हालत जंग में हैं. अब द नेक्स्ट स्टेप इज, ये बिल्कुल उस तरह है कि हमने पेपर की टेंशन में ये नहीं कि पढ़ना ही छोड़ दें, लेकिन उसकी टेंशन होगी तो हम तैयारी अच्छी करेंगे. आप समझ रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहती हूँ, कहते मैम वी कैन नॉट स्टडी बिफोर द एग्जाम्स. मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ स्ट्रेस लेवल इतना रखें जो आपको मोटिवेट करे, वो स्ट्रेस आपको मोटिवेट करे टू डू समथिंग पॉजिटिव. कि नहीं यार, एक हफ्ता मैंने ये एक्टिविटीज नहीं करनी और मैंने अपनी तैयारी करनी है. सिमिलरली, जो आपने ये जो दहशतगर्दी या टेररिज्म की बात की, तो इसको हमें अपने सर पे बहुत ज्यादा सवार नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाएं, हम घर में बैठ जाएं, माए कहीं नहीं, हमने स्कूल बच्चों को नहीं भेजना, हमने पार्क नहीं लेके जाना, हमने मॉल्स में नहीं लेकर जाना, ये नहीं होना चाहिए. लेकिन हाँ, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें केयरफुल ज्यादा होना चाहिए अपने दाएं बाएं. हमें आपने कहा कौन सी चीजें हमें देखनी चाहिए, हमें अपने दाएं बाएं नजर रखनी चाहिए. हम जितने वाकया देखे दहशतगर्दी के जो हुए, हमने देखा है कि जो लोग
مختلف علاقوں سے آتے ہیں وہ کتنے کتنے سال پناہ حاصل کرتے ہیں یہاں پر, وہ یہاں پر آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ایکٹس کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کون رہ رہا ہے, ہمارے گھروں میں کس ٹائپ کے سرونٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ہمارا تو اسکولس کے اندر, میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو یہاں پر اسپیشل ایک ایڈوائز کروں گی کہ وہ اپنے جو ان کا جو جو لوور لیول کے اوپر جو ان کا کلیریکل اسٹاف ہے وہ ان کے اوپر ایک بہت زیادہ ان کو کہتے ہیں نا ایک نگاہ ان کے اوپر خاص طور پر رکھے, کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کے لوگ ملے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو بات ماننی پڑے گی, اس چیز کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ ہم کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو آج کل ہم ڈفرینٹ میسیجز واٹس ایپ کے اوپر کوئی ایک میسیج بنا لیتا ہے اور اس کو ہم وائرل کر دیتے ہیں, وائرل کر دیتے ہیں کہ جی آج نہ نکلے یہاں پہ تھریٹ آج یہ, ہم اس قسم کے فیک میسیجز کو بھی بلیو نہ کریں. تو یہ ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں جن کے تھرو ہم اس چیز کو تھوڑے حد تک جو ہے وہ بہتر مینیج کر سکتے ہیں. سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ جس جانتی ہیں امپیشنٹ ہونا اور یہ آپ کا ٹالرنس نہیں ہے, کسی کی بات سن نہیں سکتے, تو کیا یہ جو دو امپورٹنٹ چیزیں یہ ٹیررزم کی وجہ سے ہمارے اندر ہیں؟ ویل ٹیررزم کی اگر آپ بات کریں تو اس کو تو اسٹارٹ میں کوئی 10-15 سال ہو گئے, 15 سال بیسیکلی دیکھا جائے, لیکن ہم بے حیثیت اگر ایز اے نیشن دیکھیں ہم بڑی اموشنل قوم ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایک لرنڈ بیہیویئر ہے, ہم نے یہ لرن کیا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہماری زیادہ لرننگ رول ماڈلنگ کے تھرو ہوتی ہے بچے کی. ہم جو اپنے گھر میں پیرنٹس کو, فیملی ممبرس کو, پھر اپنے بعد میں پیئر گروپ جو دوست ہوتے ہیں, پھر ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, اینڈ بائی دا ٹائم جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں, تو جس طرح کا ہمیں ماحول ملتا ہے ہم ویسے ہی لرن کر لیتے ہیں. اور بالکل ہم ایز اے نیشن میں یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ ہم بہت زیادہ ایموشنل, بہت زیادہ جذباتی قوم ہیں. ہم سوچتے بعد میں ہیں, ہم ریئیکٹ پہلے کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ریئیکٹ, ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ بولنے سے پہلے سوچو, سوچ کر بولو. بولو کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کے ریئیکٹ کرو. آپ کا جو بیہیویئر ہونا چاہیے وہ لاجیکل اور ریشنل ہونا چاہیے, وہ کسی نہ کسی منطق کے اوپر اس کا آپ کا ڈیسیژن ہونا چاہیے. یہ نہیں آپ نے اٹھ کے پکڑ کے مار دیا اور اس کے بعد سوچا کہ یار یہ میں نے کیا کیا ہے. تو ہمیں یس ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے ایز اے نیشن. ہمیں اپنی پرسپشنز کو چینج کرنا ہے, اپنے ایٹیٹیوڈس کو چینج کرنا ہے. ایموشنز کو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر ان کو اوور پار کریں. کبھی بھی وہ قومیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئیں جو اپنے ایموشنز کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ہمیں ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے, رادر ایموشنز ہمارے کنٹرول میں ہونے چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہاں ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے, کس لیول پہ بیہیو کرنا ہے. اس کے سمپل میں آپ کو ایگزامپل دوں گی کہ ایک جو آپ کا امپلائی ہے یا اگر کوئی ایک ایگزیکٹو لیول کا ہے اور اس کو اگر غصہ آتا ہے, وہ کبھی جا کر اپنے باس کو غصہ نہیں اتارے گا. ہمیشہ آپ کا جو ٹی لانے والا ہے آفس بوائے اس پہ غصہ اتارے گا. تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے باس پہ غصہ نہیں اتار سکتے. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ چینج ہونا چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ ہمیشہ ہم ویکر کے اوپر اتارتے ہیں. تو ان اٹ سیلف یہ ایک سیٹ مینٹیلٹی ہے جو ہم نے لرن کر لی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے نیچوں کو دباتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم نے پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں تھرو آل دیٹ. تو ہمیں ایز اے نیشن چاہیے کہ ہم اپنے تھوڑے سے جذبات کو جو ہے کنٹرول میں رکھا کریں. جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سروے کرایا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی ایک اسٹیٹمنٹ بہت سامنے واضح آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی ان کے سامنے سب کچھ بدل جائے گا, ان کا سب کچھ چھوٹ جائے گا. ان سے اتنا خوف, اتنی انسرٹینٹی جو ہے, غیر یقینی جو ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ مطلب یہ اس کا ان پہ اس طرح کے اثرات کے بارے میں کیا کیا جائے لوگوں کے بارے میں؟ یہ جو آپ فیکچوئل ڈیٹا بتا رہے ہیں دیٹ از ویری ٹرو. اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں اور میں آپ سے پوچھوں تو آپ یہی کہیں گے کہ یار ایک بہت زیادہ غیر یقینی کیفیت ہے, سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں میم آگے ہم نے کس لیے پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے, یو نیور نو وی آر نیکسٹ مومنٹ وی آر الائیو اور ناٹ. یس یو آر ویری مچ رائٹ. اس کو ہم ایک یہ جو غیر یقینی جو انسرٹنٹی کی جو ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے, نو ڈاؤٹ یہ ایک حد سے آگے چلی جاتی ہے, بڑی ڈینجرس ہو جاتی ہے. بیکاز یہ آپ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے. ڈیپ ڈاؤن آپ کو شروع میں آپ میں اینگر آتا ہے, فرسٹریشن آتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہیلپ لیس ہو گئے, آپ اس اینگر کو اور فرسٹریشن کو مینج نہیں کر پا رہے, تو یو گو ان ٹو ڈیپ ڈپریشن. ڈپریشن کی اسٹیج تب آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. دس از دا فینومینا وچ از کالڈ دی لرنڈ ہیلپ لیسنیس.
ये आम ऑडियंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को सुनना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये सीख ली है कहीं ना कहीं कि हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप अपने ब्रेन को ये मैसेज देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो आउटपुट भी यही आएगी आपके बिहेवियर में कि जी वी आर हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको बड़ी खूबसूरत एक काउंसलिंग टिप भी इसके थ्रू दे दी है कि हमें जो हम अपना कंट्रोल अपने हाथ से, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि कीप द रिमोट कंट्रोल इन योर हैंड्स। आपको पता होना चाहिए हमने कब स्विच ऑन करना है, कब स्विच ऑफ करना है, कब चैनल, तो ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपको चीजों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें गुस्सा नहीं कंट्रोल होता, हमसे ये कंट्रोल नहीं होता। आपको चीजों को अपने कंट्रोल में रखना है और ये जो गैर यकीनी कैफियत आपने कहा पैदा हो गई है, नो डाउट हो गई है टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगेन देखें अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो आप घर बैठ कर अंदर बैठ कर कुछ नहीं कर सकते, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, लाइफ ब्लॉक हो जाएगी। आपने दो वक्त की रोटी कमानी है, आप निकल कर आए ऑफिस में बैठे हो, मैं निकल कर आई हूँ अपने, हमें बाहर निकलना पड़ेगा और हमने जिंदगी की गाड़ी चलानी है, क्योंकि हम अपने आप को इस तरह से पैरालाइज्ड करके, कन्फाइंड करके घरों के अंदर बैठ के जिंदगी नहीं चल सकती। तो मैं इसके थ्रू एक मैसेज दूंगी सब लोगों को, नो डाउट हम पिछले 15 साल से हालत जंग में है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम मीडिया पे भी आते हैं, हम बात करते हैं, ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ, दो दिन बाद के बाद खत्म। यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि हम डीसेंसिटाइज्ड हो चुके हैं, हम somehow, and this is not normal at all. This is not normal at all कि हम कहते हैं जी इतने लोग मर गए और हम पे असर नहीं होता, हम दो दिन बाद भूल जाते हैं, हम मॉल चले जाते हैं, हम शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो हमें एज अ नेशन अब ये राइट टाइम आ गया है कि हमें सबको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे होकर अपनी एक वॉइस रेज करनी है, और हमारे बहुत जरूरी है कि हमारे जो आर्मी जो फोर्सेस हैं हमारी और हमारी जो पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं सब एक पेज पे, एक पेज पे आएंगे, तो उसके बाद बाकी इसका हल, अगर आप ये कहें कि साइकोलॉजिस्ट के पास इसका क्या हल है, तो इस तरह का हल नहीं है। वेल वी कैन एजुकेट द पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑल दैट कि दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, तो हमें एक पेज पे आना है, अपने सारे डिफरेंसेस को भुला। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल ये है कि एज बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आपका क्या मैसेज होगा बाकी हमारे व्यूअर्स को इस वक्त? मैसेज रिगार्डिंग आप ये टेररिज्म पूछ रहे हैं, ठीक है, इसमें बड़ा मैं ब्रीफ और एक सॉलिड दे दूंगी कि सबसे पहले अगेन मैं कहूंगी एक्सेप्ट करें कि हम हालत जंग में हैं। उसके बाद जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है, तो फिर आपने इसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं जाना, बल्कि आपने इसे पॉजिटिवली कैसे मैनेज करना है। आप पॉजिटिवली कैसे मैनेज करना है, उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने दाएं बाएं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएं, आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि देखिए बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, जो इराक, बोस्निया, चेचनिया, फलस्तीन, कश्मीर में हर लोग, तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट भी करना है, हमें अपने इर्द गिर्द बैठ कर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जैसे आप लोग हैं, सब काम करते हैं, तो थोड़ा सा चाहिए कि इस नेगेटिव स्टिमुलस को एक बहुत ज्यादा पीक पे जाकर हम केटर ना करें, एक्सेप्ट करें। देखिए बहुत ज्यादा बोलने से या शाउट करने से या बार बार रिपीट करने से चीजें हल नहीं हो जाती। हम एज अ नेशन रिपीट करने में बहुत ज्यादा है, ये हो गया, ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मार गए, ये हो गया, ये दहशतगर्दी, हमें चाहिए कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं, हम अपनी आवाज आगे तक कैसे पहुंचा सकते हैं एक पॉजिटिव नोट के ऊपर। तो यस, आप लोग केयरफुल होइए, अपने दाएं बाएं जरूर नजर रखिए, बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन में मत जाइए, अल्लाह पे जरूर, देखें बीइंग अ मुस्लिम भी और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी, इवन मैं कहूंगी कि अल्लाह पे भी हमें भरोसा और ईमान रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी मौत मौत बरहक है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या अपने जो है अपने सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, उनको जो है वो हमें पॉजिटिव नोट पर लेना चाहिए। जब हमारे हम कहीं जाते हैं, चेकिंग होती है, तो हमें गुस्से में नहीं आना चाहिए, हमें क्यों में आराम से टॉलरेंस के साथ, क्योंकि ये जितनी सिक्योरिटी मेजर्स ली जा रही है ये हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए ली जा रही है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आई, आज आपने हमें टाइम दिया, और व्यूअर्स इसके साथ ही अपना सेशन आज एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।